आज से पहले कभी भी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप वीडियो को पूरा देखो, बिना स्किप किए देखो, लेकिन आज मैं ज़रूर कहूँगी क्योंकि वैसी डिमांड है इस रेसिपी के लिए। वीडियो में ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने स्क्रीन के ऊपर भी लिखे हैं और खुद मैंने बताए भी हैं, वो शायद अगर गलती से आपसे छूट जाएंगे तो ये रेसिपी बिल्कुल सही नहीं बन सकती। मेरे साथ कई सारी प्रॉब्लम्स आई, आप देख सकते हैं ये पहली वाली प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ जिसमें पूरा चूरा चूरा सा हो गया था, कुछ भी मेरे हाथ में ना आ पाया। एक बार ऐसा बना कि जैसे दो लकड़ियां मेरे हाथ में हो, इतना ज़्यादा हार्ड। फ्लेकीनेस तो मतलब दूर दूर तक था ही नहीं। एक बार ऐसा बना इतना चीवी जो खाते वक्त दांतों में बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। कई दिक्कतें आती है, सोन पापड़ी बनाना इतनी भी ज़्यादा आसान बात नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए। एक साल से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ बनाने के लिए, अब जाके ये अच्छी बनी है। तो मैं जो भी मेरी गलतियों से सीखी हूँ मैं बिल्कुल क्लियरली आपके साथ वो सारे पॉइंट्स शेयर कर दूँगी। तो चलिए गाइस हम आज की हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन रखा है और मेजरमेंट मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी ताकि सबके लिए आसान हो। नॉर्मल घर की स्पून यूज़ करेंगे, घर की कटोरी यूज़ करेंगे मेजर करने के लिए। तो जो नॉर्मल स्पून है घर में नाश्ते वाली, वैसी 2 चम्मच जितना घी हम इसमें डालेंगे, बस 2 चम्मच घी में बन जाएगी। सोन पापड़ी के बारे में और भी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले तो 2 चम्मच घी को हल्का सा गर्म कर ले और फिर ऐसी नॉर्मल कटोरियाँ हर किसी के घर में होती है, 1 कटोरी भर के हम इसमें मिलाएंगे मैदा। लेवल करके मिलाया है 1 कटोरी जितना मैदा। ग्राम के मेजरमेंट के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कटोरी से ही समझ लीजिए। 1 कटोरी मैदा डालने के बाद यहाँ मैं ले रही हूँ 1/2 कटोरी जितना बेसन, बारीक पिसा हुआ बेसन है। मैदा 1 कटोरी, बेसन 1/2 कटोरी, दोनों मिला के 1.5 कटोरी जितना हो गया। ये मैदा और बेसन के मिक्सचर को हमें घी में बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। ये मिक्सचर आपको ऐसे ही सूखा सूखा ही नज़र आएगा, ये गीला नहीं होगा। सोन पापड़ी 2-3 तरीके से बनाई जाती हैं, जो सिर्फ बेसन के साथ बनती हैं, काफ़ी ज़्यादा घी यूज़ होता है और एकदम लिक्विड फॉर्म में बनती है, मतलब लिक्विड जैसा डो होता है। वैसे भी बनती हैं, ऐसे सूखे आटे को रोस्ट करके वैसी भी बनती हैं। इसको कप पतीसा या कप सोन पापड़ी भी कहते हैं या फिर वाइट सोन पापड़ी के नाम से भी ये जानी जाती हैं। बाकी बातें मैं आपको आगे बताती हूँ। फिलहाल आपको ये जो बेसन और मैदा का मिक्सचर है इसको बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। फ्लेम आपने लो पर रखनी है और एकदम सौंधी सी प्यारी खुशबू आने तक इसे रोस्ट करें, हल्का कलर चेंज हो जाने तक रोस्ट करें। इसमें फ्लेवर के लिए हम इलायची पाउडर मिलाएंगे, लेकिन वो इस मिक्सचर में ही मिला देनी है, मतलब बेसन मैदा के मिक्सचर में मिलानी है, शुगर सिरप में नहीं। तो इसी में मिला दीजिए और बस गैस बंद करने के बाद मैंने इसको मिलाया है और अब हम इसे छान लेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी छोटी बड़ी गुठलियाँ आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, ऐसे हम ये आटा यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें इसे एक बार छानना होगा। ये देखिए मैंने इसे छान लिया, काफ़ी एक तरीके का ये दिख रहा है। हम इसे बाजू में रखते हैं। चीनी की मेज़रमेंट, अब चीनी की मेज़रमेंट वो जो कलर करेक्शन होता है वो समझने के लिए मैंने जानबूझ के स्टील का बर्तन यूज़ किया है। मेज़रमेंट काफ़ी सिंपल है, ये देखिए 1 कटोरी जितनी चीनी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। गैस मैंने अभी तक ऑन नहीं किया है, 1 कटोरी चीनी ये डाल दी और वापस से ये 1/2 कटोरी चीनी। मेज़रमेंट क्या थी, 1 कटोरी मैदा और 1/2 कटोरी था हमारा बेसन, 1.5 कटोरी हो गया। तो सेम कटोरी से 1.5 कटोरी जितनी चीनी हमें ले लेनी है बस। और साथ ही में हम इसमें मिला देते हैं केवल 1/2 चम्मच, सिर्फ 1/2 चम्मच, 1 चम्मच बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, 1/2 चम्मच जितना नींबू का रस साथ ही में मिला दीजिए। और इस चीनी में 1/2 कटोरी जितना हम यहाँ पर मिला रहे हैं पानी, बस 1/2 कटोरी ही मिलाना है। ये पानी हमने डाल दिया। अब मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर रही हूँ और जैसे ही आप फ्लेम ऑन करेंगे सीधा गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे। सोन पापड़ी के लिए जो शुगर सिरप होता है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल भी छुआ नहीं है, कोई चम्मच से मैंने इसको टच नहीं करना है, जब करना हो तब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर इस सिरप को हमें थोड़ा सा हिलाना हो तो ये डंडी वाला बर्तन है, जिस डंडी को पकड़ के मैं हिला सकती हूँ, या फिर तो आप ऐसी कोई पकड़ ले लीजिएगा जिससे इसको हिलाइएगा। ये बहुत ज़रूरी है, सिली सा पॉइंट लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपने इसको चम्मच से हिलाते रहे हाई फ्लेम रखी तो इसकी चाशनी नहीं बनेगी, इसका बूरा बन जाएगा, जो तगार बन जाएगा जो लड्डुओं में हम यूज़ करते हैं, हम वैसा होने नहीं देना चाहते। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको ऐसे ही पकड़ के हिलाना है आपने, ठीक है। और फ्लेम लो पर ही रखनी है, हाई नहीं करेंगे। ये जो सिरप है ये बनने में लगभग मतलब एक परफेक्ट वाला कलर कंसिस्टेंसी आने में आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे, मैं आपको दिखाती ही हूँ आगे एक एक पॉइंट।
एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको जो जहाँ मैंने गलतियाँ की थी वो एक बार क्लियर कर दूँ। एक बार ही मैंने शुगर सिरप कुछ ऐसा बनाया जो आपको दिख रहा है, हल्का सा कलर है इसको, कलर ज़्यादा है नहीं। तो मैंने फिर इसको ऐसे तार बना के देखे और इसकी सोन पापड़ी भी बना के देखी, तो देखिए ये रिजल्ट मिला मुझे, सारा इसका चूरा चूरा हो गया, क्योंकि शुगर सिरप कच्चा था, वो सोन पापड़ी के लिए प्रॉपरली सही से कुक नहीं था, कच्चा था ऐसा कह सकते हैं। दूसरी बारी मैंने शुगर सिरप कुछ इस तरीके से बनाया, बहुत ज़्यादा हार्ड, एकदम ज़्यादा डार्क कलर पर पका दिया, काफ़ी ज़्यादा। इससे क्या हुआ, सोन पापड़ी इतनी ज़्यादा हार्ड बनी कि जैसे मैंने, मानो मेरे हाथ में दो लकड़ियाँ हो जिसको मैं खींच ही नहीं पाई, वो शुगर खींचते से पहले ही सारी जम गई और जैसे लकड़ी जैसा टेक्स्चर आ गया इसको, बिल्कुल ऐसा हुआ। तो इसका जो कलर है, शुगर सिरप का कलर है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लाइट कलर की शुगर सिरप बनाते हो, लाइट कलर का बहुत, तो इससे सोन पापड़ी जो है वो थोड़ी सी चीवी सी बनती है, जो सेट नहीं हो पाती, चूरा चूरा जिसका हो जाता है। और अगर आप बहुत डार्कर कलर का शुगर सिरप बना दो तो इससे सोन पापड़ी बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड बनती है, आप इसको बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं कर पाओगे। तो कलर करेक्शन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम फिर से हमारी नॉर्मल वीडियो पर आ चुके हैं। अब यहाँ देखिए ये उबल तो रहा है अच्छे से, मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ, पानी में डाल रही हूँ इसको, ये देखिए पूरा घुल जाएगा, मैं इसकी गोली नहीं बना पा रही हूँ, हाथ में पकड़ नहीं पा रही हूँ इसको। ठीक है, तो और पकाएंगे, फ्लेम लो ही है, एक बार भी मैंने बीच में फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं किया। अब फिर से हम इसमें थोड़ा सा शुगर सिरप डाल के चेक करेंगे, ये देखिए यहाँ अब इसकी गोली बन रही है, लेकिन काफ़ी नरम नरम सी है, ऐसी नरम नरम गोली नहीं चाहिए हमें, और वाइट वाइट सी भी है, ऐसी वाइट सी और ऐसी नरम सी गोली नहीं चाहिए। फिर से पकाएंगे थोड़ा सा, और दो दो मिनट ऐसे पकाना है, चेक करना है, दो तीन मिनट बाद। ठीक है जी, तो देखिए अब फिर से मैंने इसे चेक किया, देखिए गोली का कलर भी आपको थोड़ा सा येलोइश नज़र आएगा, ना बहुत ज़्यादा डार्क है ना बहुत ज़्यादा लाइट है, एक हल्का येलोइश कलर है, और गोली भी काफ़ी स्टिफ है। या फिर ऐसे अगर समझ में ना आए तो चाशनी को ना थोड़ा सा सेट हो जाने दीजिए, फिर बॉल को तोड़ के देखें, एकदम से ठंडा हो जाने के बाद बॉल एकदम जैसे गोली टूटती है ना, जैसे हम कैंडी खाते हैं, कैंडी कैसी टूट जाती है एकदम दांत में दबाने से, बस टूट जाना चाहिए ये बॉल। तो ऐसी पक्की चाशनी हमें बनाकर तैयार करनी होती है, और ऐसी चाशनी पकते पकते फिर इसको कलर भी आ जाता है, ये देखिए ये कलर एकदम ध्यान में रख लीजिएगा, बस चाशनी तैयार है। इसे ऐसे ही स्टील के बर्तन में रहने दीजिए, ये स्टील का बर्तन बस इसलिए यूज़ किया था ताकि इसमें कलर आपको ठीक से समझ में आएगा। अगर मैं वो नॉनस्टिक ब्लैक वाले बर्तन यूज़ करती तो कलर आपको समझ में आता ही नहीं, उसमें दिखता नहीं है प्रॉपरली। ठीक है, कोई नहीं। तो अब ये आप ऐसे ही बर्तन में, गैस बंद है, 2-3 मिनट के लिए बर्तन में ही रखिए, ये फिर भी चाशनी जो है ना गैस बंद करने के बाद में इसमें कुकिंग प्रोसेस चालू रहती है, इसलिए इसका कलर पहले से और भी थोड़ा सा डार्क आपको नज़र आएगा। अब 2-3 मिनट बाद ग्रीस किए हुए तवा के अंदर मैं इसको निकाल रही हूँ, और इसको हम ऐसे ही अभी छोड़ेंगे 3-4 मिनट के लिए, फिर हम इसको जमा करेंगे। ये देखिए मैं इसको जमा करूँ, थोड़ी सी जम चुकी है गरम, लेकिन छू सकते हैं आप, इतनी भी ज़्यादा गरम नहीं है, छू सकते हैं। तो ये देखिए फिर हम इस पर काम करना अभी शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इसे स्ट्रेच करना है, फोल्ड करना है, स्ट्रेच करना है, फोल्ड करना है, ये कम से कम आपको 15 से 20 बारी यही सेम मेथड को रिपीट करना है, लेकिन याद रखिए इसके बॉन्ड को टूटने नहीं देना है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से कर लिया, हल्का सा शाइनी और लाइट कलर जब इसका हो जाए तब हम इसकी एक रिंग बना लेंगे, एक नेकलेस सा इसका बना लेंगे, दो सिरों को जोड़ देंगे। ये देखिए छोटा ही बनाना है, बड़ा नहीं, ये हमने बना लिया। और अब ये हम जो भुना हुआ आटा था हमारा, मैदा और बेसन का, उसमें डाल देंगे, इसके ऊपर से थोड़ा सा ये जो सूखा आटा है ये डाल दीजिए। मैं आटा बोल रही हूँ, आटे से मेरा मतलब है बेसन और मैदा का मिक्सचर। तो ये हमने ऊपर से डाल दिया, अब इसको आपने स्ट्रेच करना है हल्के हल्के हाथों, शुरुआत में तो ज़ोर बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि ये अभी गर्म है, तो ज़ोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं, ज़ोर लगाने जाएंगे तो ये टूट जाएगा, फिर आप इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो इसका राउंड शेप है ना, ये बरकरार रखना है हमें, हर बारी जब भी हम खींचेंगे राउंड शेप को बरकरार रखेंगे, टूटने नहीं देंगे, ये अपने आप से जब टूटेगा, लेकिन हम नहीं तोड़ेंगे इसको। तो फिर से इसके ऊपर हम ये जो सूखा मिक्सचर है ये फिर से डालते जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। अब यहाँ पे आपको इसको इस सिरे से पकड़कर एक ट्विस्ट देना है, ये ट्विस्ट देके इसके ऊपर रखना है, मतलब हर बारी राउंड रहेगा ही। फिर से ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर से यहाँ से उठा के एक ट्विस्ट लगाएंगे बीच में यहाँ पर, और फिर से एक ये राउंड आपके पास आ जाएगा, फिर से स्ट्रेच करेंगे। ऐसा करते करते आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी सारे लच्छे बनने शुरू हो जाएंगे, और आटा भी इसमें समाते जा रहा है, मतलब
बेसन और मैदा का मिक्सचर भी इसमें समाते जा रहा है, ये बड़ा भी होते जा रहा है। अब आगे की प्रोसीजर को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, कट बिल्कुल भी नहीं किया, फास्ट फॉरवर्ड किया है, बस आप देख लीजिए। तो आपने देखा जी, मैंने इतने बड़े इसके लच्छे बना लिए, इतना बड़ा मैंने इसको स्ट्रेच कर लिया, लेकिन ये फिर भी मतलब कहीं से भी मैंने इसको टूटने नहीं दिया। अभी ये मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड जा रहा है खींचने में, क्योंकि अभी चाशनी भी तो जो अंदर है वो भी तो ठंडी होती जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैं अकेले ही कर रही थी, आपके साथ में कोई हो तो एंड टाइम पर जब ये थोड़ी सी तकलीफ़ हो खींचने में, तब किसी की हेल्प आप ले सकते हैं, लेकिन आराम आराम से ही करना है, एकदम ज़ोर से बहुत, एक फीट पे दो लोग खड़े और खींच रहे ऐसा मत कीजिएगा। तो लीजिए, अब ढेर सारे इसके लच्छे बन चुके हैं। अब जितना आटा इसमें आना था वो आ चुका है, जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बचा है हम इसे थोड़ा झाड़ देंगे। ये देखिए इतना सा ही बचा है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ से इस एंड को मैं यहाँ से थोड़ा कट कर लेती हूँ, और बस फिर कहीं से भी तोड़ लीजिए। ये देखिए बड़े ही आराम से टूट रही है, बिल्कुल चीवी नहीं है, हार्ड नहीं है। ये तो मैं जब तोड़ रही हूँ तभी आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। इसका एंड रिज़ल्ट देख के आपको इतनी खुशी होगी ना, मैं क्या बताऊँ। चलो कोई नहीं, एक साल की मेहनत सफल हो गई भाई। तो बस अब आपको एक, ये कप पतीसा इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसको ना जो बेसन वाली सोन पापड़ी होती है ना, जो बेसन गीले बेसन में जिसको बनाते हैं, वो कैसे हम किसी ट्रे में सेट करते हैं, लेकिन इसको ना ऐसी छोटी कटोरी या कप में जिसको शेप अप किया जाता है। ये देखिए ऐसे, तो थोड़े से काजू बादाम मैंने नीचे डाले हुए थे, इसके ऊपर ये थोड़े से लच्छे डाल दिए। हल्का सा प्रेस करना है, बहुत हल्का सा, ठीक है, जोर नहीं लगाना, क्योंकि इसमें ये जो एयर्स है ना, इसमें जो ये एरिएशन है धागों के बीच में, वो रहने दीजिए। ये देखिए मैंने इसको और ये निकाल लिया, ये बन गई आपकी सोन पापड़ी कप पतीसा, या फिर इसे कह सकते हैं आप वाइट सोन पापड़ी। और इसे तुरंत बनाने के बाद आपको पॉलीथीन में रखते जाना है। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी के एनवायरनमेंट में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, बारिश हो रही है, काफ़ी ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी की वजह से इसके ऊपर एक गीलापन आने लगता है। आप इसको बाहर ऐसे सूखे या पंखे के नीचे रख देंगे ना, ये गीली गीली हो जाएगी, स्टिकी स्टिकी सी हो जाएगी। इसको तुरंत ही पॉलीथीन में पैक करना पड़ता है, ठीक है। तो बस अब सोन पापड़ी को स्टोर कैसे करें, इसको यूज़ कैसे करें, इसको बनाए कैसे, चाशनी कैसी होगी, कलर करेक्शन कैसा होगा, सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियरली वीडियो में समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। कौन सा पार्ट रेसिपी में आपको सबसे अच्छा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।